नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी। मैं कुलदीप कुमार। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, आज केंद्रीय कैबिनेट से लिए गए निर्णय में विजयादशमी या दुर्गा पूजा से पहले 30 लाख नॉन गजेटेड कर्मचारियों को डीबीटी के जरिए तुरंत 3,737 करोड़ रुपए का बोनस दिया जाएगा। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। विजयादशमी या दुर्गा पूजा के पहले ही तुरंत 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3,737 करोड़ रुपीस का बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा। बोनस मिलेगा 30 लाख कर्मचारियों को जो नॉन गैजेटेड है, उनको मिलेगा। आपको पता है उसमें जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, जैसे रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, रक्षा उत्पादन है, ईपीएफओ है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, ऐसे जो कर्मचारी नॉन गैजेटेड है, ऐसे 17 लाख कर्मचारियों को 2,791 करोड़ इतना बोनस मिलेगा। और केंद्र सरकार के जो सरकार में काम करने वाले, ये तो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो गए, जो सरकार में काम करते हैं ऐसे 13 लाख कर्मचारियों को 9 प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलेगा और उन्हें भी 906 करोड़ रुपए 906 करोड़ रुपीस बोनस के उपलक्ष्य में मिलेंगे। यानी इस सप्ताह में 30 लाख कर्मचारियों के हाथ में 3,737 करोड़ 3,737 करोड़ रुपीस और मिलेंगे। बाजार में मांग बढ़ेगी और फेस्टिवल के सीजन में मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा आएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए एनबीसी हिंदी के साथ।